आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एक माँ के दो बेटों का कंपैरिजन करने वाले हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहला बेटा है दोस्तों S21 अल्ट्रा, जिसका जन्म हुआ था सन 2021 के अंदर, और दूसरा बेटा है दोस्तों S20 प्लस, जिसका जन्म हुआ था सन 2020 में। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को दोस्तों फटाफट से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, कर दीजिए फटाफट से, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिजाइन से, और डिजाइन में दोस्तों जब आप इन दोनों मोबाइल्स को देखोगे तो डेफिनेटली जो S21 अल्ट्रा है उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अलग है। जो S20 प्लस का डिजाइन है, नॉर्मल डिजाइन है, किसी भी मोबाइल में आपको मिल जाएगा। S21 में दोस्तों आपको पीछे मिलता है मेटल बैक विथ मैट फिनिश, ठीक है, और वहीं पर S20 प्लस में आपको मिलता है ग्लास बैक विथ ग्लॉसी फिनिश। अब यहाँ पर दोस्तों जो S20 है उसके अंदर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आपने एक बार ऐसे अंगुली रखते हुए अंगुली वैसे की वैसी आपकी प्रिंट हो जाएगी, सो ये बहुत ही बेकार लगता है। बिना कवर यूज करने के तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, एक मिनट में आपका मोबाइल गंदा हो जाएगा, ऐसा S21 के साथ नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है। लेकिन दोस्तों S20 प्लस की भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है उसके कर्व्स, और इस चीज़ का आपको पता लगेगा जब आप मोबाइल को हाथ में पकड़ेंगे। S20 में पीछे से पूरा ग्लास कर्व्ड है, सामने से भी ग्लास थोड़ा कर्व्ड है, और एकदम से कर्व होने के कारण आपको मोबाइल काफी थिन भी लगता है और आराम से आप उसको हाथ में पकड़ भी पाते हैं। S21 के अंदर इतना ज्यादा कर्व नहीं है, उसका थोड़ा स्क्वायरिश टाइप डिजाइन है, वो भी एक तरह से अच्छा है, बट मुझे पर्सनली जो ये कर्व्ड वाला डिजाइन है ये ज्यादा पसंद है। और दोस्तों एक और चीज जहां पर S20 प्लस आगे निकलता है वो है वन हैंड यूजेस के मामले में। अब S21 है, काफी बड़ा मोबाइल है, हैवी भी है, काफी मोटा भी है, तो उसको आप एक हाथ से यूज नहीं कर सकते हैं, खैर यूज कर सकते हैं लेकिन कंफर्टेबली यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन S20 प्लस को आप एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हैं, लाइट वेट है, थिन है, और S20 प्लस S21 से काफी नैरो है, तो एक हाथ से आप कहीं पर भी आराम से यूज कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर मुझे पर्सनली S20 प्लस का ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो क्रिएटिविटी S21 के अंदर है वो अनमैच्ड है। सैमसंग के डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों पूरी दुनिया जानती है, काफी तगड़े तगड़े डिस्प्ले होते हैं सैमसंग के, और ये फ्लैगशिप मोबाइल है, इन दोनों में भी आपको WQHD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, वाइड क्वाड हाई डेफिनेशन प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है। वैसे 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी आपको दोनों ही मोबाइल्स के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों छोटा सा ट्विस्ट है, आप S20 प्लस में या तो WQHD+ डिस्प्ले और 60 हर्ट्ज यूज कर सकते हैं, या फिर फुल HD+ डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज यूज कर सकते हैं। WQHD+ डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं S20 प्लस में। लेकिन S21 में सब कुछ अनलॉक्ड है, आप WQHD+ डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं, साथ में 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव फास्ट रिफ्रेश रेट को भी यूज कर सकते हैं। सो एक छोटा सा पॉइंट है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो दोस्तों मोबाइल का डिस्प्ले इतना छोटा होता है कि उसमें WQHD डिस्प्ले और फुल HD डिस्प्ले में इतना ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है। एंड दोनों मोबाइल्स में जो बेजल्स आपको मिलते हैं, बेजल्स सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है बेजल्स के अंदर। लेकिन दोस्तों जो फ्रंट कटआउट है कैमरा का, वो S21 में बड़ा है और S20 के अंदर छोटा है। अब इसका कारण ये है कि S21 में आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है 40 मेगापिक्सल का, और S20 प्लस में आपको मिलता है केवल 10 मेगापिक्सल का, तो इसीलिए S21 का जो कैमरा कटआउट है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, आपको इतना नॉर्मली डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। फिर अगर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो डेफिनेटली S20 की डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज्यादा है, S20 से क्लियरली डिफरेंस नजर आता है जब हम इन दोनों मोबाइल्स को फुल ब्राइटनेस पर करते हैं। खैर आप इन सबको रखते हैं साइड में, मैन बढ़ते हैं स्क्रीन की क्वालिटी की तरफ। अब मैंने इन दोनों मोबाइल्स की ब्राइटनेस करी फुल, एक 4K वीडियो चलाई यूट्यूब पर और दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर किया, तो अब यहां पर दोस्तों मुझे क्लियरली जो शार्पनेस होती है वो S21 में थोड़ी ज्यादा मिली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन जब आप नज़दीक से देखोगे तब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों जो विविड कलर्स हैं, मैंने सब कुछ कलर सेटिंग्स दोनों फोन्स में बराबर रखी थी 0 पर, और यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि S20 प्लस बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल भी टक्कर में नहीं है, नहीं, S20 प्लस के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा विविड मुझे दिखाई दिए, ज़्यादा सेचुरेटेड वो कलर्स थे S21 के कंपेरिजन में, ये मैं देख कर भी थोड़ा हैरान रह गया था, और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मेरे ख्याल से ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज
S21 की ब्राइटनेस ज्यादा है और S20 की कम है, तो हो सकता है हमने ब्राइटनेस को ज्यादा किया तो कलर्स थोड़े से फेड आउट हो गए, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और इन सब चीजों के अलावा मुझे कुछ भी डिफरेंस दोनों डिस्प्ले के अंदर नहीं लगा। दोस्तों जब हम इन दोनों मोबाइल्स के कैमरा को बाहर से देखते हैं तो S21 का कैमरा बड़ा दिखाई देता है S20 प्लस के कंपैरिजन में, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बिकॉज जो S20 प्लस में जो सेंसर है कैमरा का वो बड़ा है S21 से। लेकिन हमारे पास दोनों मोबाइल्स मौजूद हैं, हम कुछ भी पेपर्स पर कुछ भी नंबर्स पर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फोटो ली एक फ्लावर की आर्टिफिशियल लाइटनिंग कंडीशन में, अच्छी खासी लाइट थी वहां पर। दोस्तों मैं बिल्कुल हैरान रह गया था, जो S20 प्लस की इमेज थी वो ज्यादा शार्प थी, उसके अंदर डिटेल्स ज्यादा थी, इवन मैं जूम भी उसको ज्यादा कर पा रहा था S21 की कंपैरिजन में, और ये देखकर मैं भी खुद हैरान रह गया था। जब मैं फोटोज ले रहा था मेरा माइंडसेट यही था कि S21 की फोटोज डेफिनेटली बेटर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया जो मैंने सोचा था उसके। शार्पनेस दोस्तों डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आर्टिफिशियल लाइटनिंग कंडीशन में S20 प्लस की ज्यादा है, कभी भी आप कंपेयर कर लीजिए। फिर जो हमने S20 प्लस में इमेज लिए वो हमको थोड़ी कूल दिखाई दे रही है, थोड़ी ब्लूइश थोड़े से सैचुरेटेड कलर से दिखाई दे रहे हैं और देखने में काफी अच्छी लग रही है, लेकिन जो S21 है वो डेफिनेटली जो एक नॉर्मल कलर्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन S20 प्लस जो कलर्स हमको अच्छे लगते हैं दिखने में उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। फिर दोस्तों अगर हम नेचुरल ब्लर की बात करें बिना किसी भी पोर्ट्रेट मोड के, तो वो नेचुरल ब्लर आपको डेफिनेटली S21 के अंदर ज्यादा मिलता है, क्लियर डिफरेंस आपको नजर आएगा। बाकी दोस्तों आउटडोर कंडीशंस के अंदर दोनों ही मोबाइल बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट यहां पर भी वो डिफरेंस आता है कि S20 प्लस थोड़ा कूल ब्लूइश टाइप में जा रहा है एंड S21 थोड़ा नेचुरल की तरफ होने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों नाइट मोड का कंपैरिजन करें तो नाइट मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों मोबाइल्स के अंदर। सबसे पहले दोनों ही मोबाइल्स के अंदर नाइट मोड काफी अच्छे से काम करता है, और नाइट मोड के अंदर भी जो S20 प्लस है वो थोड़ा कूल साइड के अंदर जा रहा है और जो S21 है वो थोड़ा नेचुरल साइड के अंदर जा रहा है, तो ये डिफरेंस है। S21 के अंदर तो जो अपने पास है जो ऑब्जेक्ट्स वो ज्यादा डिटेल है, और S20 प्लस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दूर हैं वो ज्यादा डिटेल्ड है। बाकी दोस्तों ओवरऑल डायनेमिक रेंज वगैरह दोनों ही मोबाइल्स की नाइट मोड में सेम थी। एंड बात करें सेल्फी की, दोस्तों S20 प्लस के अंदर आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, हालांकि इतना बुरा नहीं है, लेकिन S21 के 40 मेगापिक्सल के सामने वो थोड़ा पीछे रह जाता है डेफिनेटली। S21 की सेल्फीज बेटर डेफिनेटली आती हैं। एंड बात करें वीडियोस की, तो दोस्तों वीडियोस के अंदर भी S21 ही जीता है, अच्छी शार्प मिलती है आपको वीडियोस, डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाता है। आर्टिफिशियल लाइटनिंग कंडीशन में तो S20 प्लस कई बार फ्लिकर करने लग जाता है लाइट्स की वजह से। सो वीडियोस सेल्फीज के लिए तो S21 विनर है, बट फोटोज के मामले में, स्पेशली आर्टिफिशियल कंडीशन की फोटोज के मामले में और नाइट मोड के मामले में S20 भी टक्कर में है S21 की। फाइनल दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस दोस्तों डेफिनेटली S21 की ज्यादा है, बिकॉज उसके अंदर आपको मिलता है एक्साइनोस का 2100 प्रोसेसर और S20 प्लस में आपको मिलता है एक्साइनोस का 990 प्रोसेसर, तो यहाँ पर दोस्तों काफी डिफरेंस हो गया। अगर हम अंततः स्कोर की बात करें तो S20 प्लस का करीब आता है 613,000 के लमसम अंततः स्कोर आता है, वहीं पर S21 अल्ट्रा का अंततः स्कोर आता है 710,000 के लमसम। जो GPU है S21 में वो भी अपग्रेडेड, जो प्रोसेसर है वो भी अपग्रेडेड है, इसी वजह से जो गेमिंग है वो भी ज्यादा अच्छी होती है S21 अल्ट्रा के अंदर, इसी वजह से गेमिंग है वो भी ज्यादा अपग्रेडेड है S21 के अंदर, अच्छी गेमिंग कर पाते आप नो डाउट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि S20 की गेमिंग बेकार है, नो डाउट दोस्तों काफी अच्छा फोन है, बट परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली कहीं ना कहीं S20 प्लस पीछे रह जाता है S21 से। ये था दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स का एक छोटा सा रिव्यू, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए, अगर डिटेल में जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऊपर से बेसिक जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। वैसे आपको इन दोनों मोबाइल्स के डिजाइन में से कौन सा मोबाइल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो S20 प्लस का डिजाइन वो भी थोड़ा प्रोफेशनल टाइप है, कमेंट करके जरूर देगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कल की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।